Welcome to my channel Biological World. In this video, we will discuss significance of mitosis and meiosis. So let's start. Significance of mitosis and meiosis. यानी कि mitosis का क्या क्या अहमियत है, उसके क्या uses होते हैं और उसकी क्यों need होती है. ठीक है जी. Number one, by mitosis, zygote divides, which causes the formation of tissues, organs एंड ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट. जायकॉट में क्या होती है, माइटोसिस होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. फिर जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता रहता है, और जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, जायकॉट डिवाइड हो जाता है. यानी कि जायकॉट में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, फिर उस माइटोसिस के प्रोसेस से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, फिर क्या होता है, जायकॉट डिवाइड हो जाता है. यानी कि माइटोसिस जो है वो जायकॉट की डिवीजन करता है. नंबर टू, तो जैसे कि फिगर है, इसमें क्या हमारे पास एक जायकॉट है. ठीक है, जायकॉट में पहले एक छोटा सा एक सेल है. ठीक है जी. फिर जब माइटोसिस का प्रोसेस होता जाएगा तो क्या होता है, सेल्स इंक्रीज होते हैं. टू सेल स्टेज है, फिर फोर सेल स्टेज, फिर एट सेल स्टेज, फिर 16, फिर क्या हुआ, ब्लास्टोकाइस्ट. फिर इतना वो सेल इतना भर गया या फिर इतने सेल्स आ गए कि वो फिर डिवाइड हो गया वो जायकॉट. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारा, बाय माइटोसिस न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, सो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस. माइटोसिस के प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंक्रीज होती है. ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है, जिससे सेल की डिवीजन होती रहती है. फिर उससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती है. तो माइटोसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में भी, उसकी इंक्रीजेस में भी हेल्प करता है. नंबर थ्री, माइटोसिस हेल्प्स इन रिप्लेसिंग द ओल्ड एंड वार्म आउट सेल, एंड सेल्स लाइक RBC एंड WBC आर फॉर्म इन बोन मैरो. बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो यानी कि हमारी जो बोन्स होती हैं, किसी भी जानवर की बोन्स होती हैं, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल में क्या होता है, उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि WBC, और रेड ब्लड्स यानी कि RBC. तो ये जो होते हैं, ये बोन मैरो में कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, यानी कि ज़्यादा देर तक नहीं होते हैं. तो क्या होता है, ये डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. फिर इनमें माइटोसिस की डिवीजन होती है, सेल्स की डिवीजन होती है, उससे क्या होता है, न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं और जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. तो माइटोसिस जो है वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट है, माइटोसिस कॉजेस इक्वल टू डॉटर न्यूक्लियाई विच इज इट हेरिडिटरी मटेरियल. माइटोसिस जो है, माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, टू न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, और वो जो टू न्यू सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स. डिप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो. तो माइटोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, इसके प्रोसेस से जो न्यू सेल्स होते हैं उन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट है, रीजेनरेशन ऑफ एन ऑर्गन और हीलिंग ऑफ वाउंड्स ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस. अगर कोई चोट लग जाती है हमारी या कोई स्क्रैच आ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस होती है उसको हील करने के लिए, उसको वापस रिकवर करने के लिए. तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, उस स्किन के जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वापस रिकवर हो जाते हैं और हमारी स्किन वापस डेवलप हो जाती है या रिकवर हो जाती है. तो माइटोसिस जो है वो चोट वगैरह आ जाती है तो उस पर प्रोसेस करता है और फिर न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं. नेक्स्ट है, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग सीक्स हेल्प थ्रू माइटोसिस. टिश्यू का जो कल्चर होता है, जब हमारी कोई चोट लगती है तो वहाँ से ब्लडिंग हो रही होती है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, क्लोनिंग होती है. फिर क्लोनिंग यानी कि वहाँ पे माइटोसिस की डिवीजन होती है, उसके सेल्स की डिवीजन होती है, ब्लड जो होता है वो रुक जाता है. तो माइटोसिस जो है वो क्लोनिंग में भी हेल्प करता है. तो ये थी कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. अब हम मियोसिस की कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अब हम मियोसिस की अहमियत को देख लेते हैं या मियोसिस के यूज़ को. मियोसिस मेंटेन्स द डेफिनेट एंड कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म. मियोसिस जो है वो सेल्स में कॉन्स्टेंट और डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट करता है. मियोसिस क्या होते हैं, मियोसिस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं.
हैप्लॉयड यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो म्योसिस जो है वो मेंटेन रखते हैं, यानी कि ये नहीं कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, बिल्कुल कांस्टेंट और डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करता है या मेंटेन रखता है। नंबर टू, क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ द मेजर टूल ऑफ एवोल्यूशन। म्योसिस में क्या होता है, प्रोफेस वन में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। ये कहाँ होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम और साइज सेम हो और वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनके अंदर फोर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो वो जो दो उनके जो दो पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में क्या होता है, उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो एक पार्ट होता है जिसके अंदर डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल, वो एक्सचेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, इससे एक न्यू एवोल्यूशन या एक न्यू जेनेटिक मटेरियल बनता है जो न्यू डॉटर सेल में जाता है। तो मियोसिस जो है वो इवोल्यूशन का एक मेजर टूल है। नंबर थ्री, फोर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पास्ड टू फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हिच ब्रिंग्स जेनेटिक डॉटर सेल्स। जो फोर क्रोमेटिड्स जो होते हैं होमोलोगस पेयर के, वो दूसरे फोर क्रोमेटिड्स के साथ पास होते हैं या फिर अटैच जाते हैं। तो क्या होता है, उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है। फिर उससे क्या होता है, न्यू वेरिएशन या फिर न्यू जेनेटिक मटेरियल प्रिपेयर होता है या मेंटेन डेवलप होता है जो न्यू डॉटर सेल में या फिर जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जाता है। तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की न्यू जेनेटिकली वेरिएशन फॉर्म होती है। तो ये थी हमारी कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।